हम बात करेंगे कि लॉरी ऑफ एसिड्स क्या है हम जो है डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू एसिड्स और बेसिस को डिफाइन कर रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अब हम देखेंगे कि लॉरी ब्रॉन्सटेड भी एक कंसेप्ट है जो दिया था हमें लॉरी और ब्रॉन्सटेड दो अलग अलग साइंटिस्ट थे यानी कि ब्रॉन्सटेड जो है उनका अगर हम फुल नेम देखें तो वो डेनमार्क के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोहानिस ब्रॉन्सटेड ठीक है इनका फुल नेम है जोहानिस ब्रॉन्सटेड ब्रॉन्स टी ई डी ठीक है ये एक डेनमार्क से ये साइंटिस्ट थे यानी कि डेनिश केमिस्ट है ठीक है और दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट है थॉमस लॉरी हम लिख लेते हैं कि थॉमस लॉरी हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, थे इन्होंने जो है वो कंसेप्ट दिया नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री में और इन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब किया किसको एसिड्स को और बेसिस को कि वो उनको उनको एक डिफरेंट वे में डिफाइन किया अगर कंपेयर करें हम आर्नियस कंसेप्ट से ठीक है आर्िनियस कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट इनका कंसेप्ट था यानी कि जिस तरह आर्नियस कंसेप्ट में हम कहते हैं कि एसिड जो है वो वो सबस्टेंसेज होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो प्रोटो जो प्रोटोन जो है, वो देते हैं जब वो वाटर में जाते हैं और इनका कंसेप्ट क्या है इनका यानी ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, है, है, हैं है, तो है, है, तो मतलब एसिड्स है, जो होते हैं ये होता है हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स कॉन्सेप्ट ठीक है अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं प्रोटॉन देखने के लिए हम बनाते हैं एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाते हैं और उसके अंदर आ, हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में या ओवरऑल हम देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में एक ही हमारे पास जो है वो प्रोटॉन है ठीक है जब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है लूज हो जाएगा तो हमारे पास क्या चीज बच जाएगी जस्ट एक न्यूक्लियस बच गया क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो था वो एक हमारे पास सिंगल शेल था ठीक है उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया अब हमारे पास कोई शेल नहीं बचा सारे शेल वेकेंट हो गए हैं सिर्फ एक न्यूक्लियस बचा है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ठीक है तो इसको इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन है या फिर इसको हम जो है वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन भी कहते हैं ठीक है अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन आ गया तो ये प्रोटॉन जो है वो जो डोनेट करेंगे वो एसिड्स कहलाएंगे ठीक है जब वाटर में इंटरेक्ट करेंगे तो इसकी हम एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास केमिकल कंपाउंड था एज ए ठीक है ए जो है वो कोई भी एक एलिमेंट है जो मिला के एज के साथ जो है वो केमिकल कंपाउंड दे रहे हैं ठीक है और क्या हुआ हमारे पास था वाटर ठीक है ये वाटर आ गया हम वाटर को भी इसी तरह खोल के लिख लेते हैं इसका जो है फॉर्मूला ये हमारे पास वाटर आ गया हुआ क्या कि हमने जो है इस को, इस कंपाउंड कंपाउंड को को केमिकल हमने वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया है ठीक है अब क्या हुआ वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी जिसके हम कहते हैं आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, है यानी कि क्या होता है फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है ठीक है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज बन रही है हमारे पास जो है वो हम साथ के साथ कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट आ रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि किसी कंपाउंड में कोई एक एटम ऐसा होता है जिसके आ, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं जो फ्री होते हैं यानी कि फ्री इन द सेंस के वो जो होते हैं वो बॉन्डिंग uh, में टेक पार्ट नहीं कर रहे होते ठीक है जिस तरह ऑक्सीजन का हम यहाँ देख रहे हैं ये दो लोन पेयर्स है अब क्या होगा ये जो लोन पेयर्स है इनमें से एक जो है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ये किस वजह से करेगा

पार्शियल मतलब कि स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा यानी स्लाइटली हो जाएगा अब क्या होगा कि ऑक्सीजन ने इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक इस वजह से किया क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसके नतीजे में क्या होगा हाइड्रोजन अपना शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में जो अपना हिस्सा है वो भी जो है इस ए एलिमेंट को दे देगा और खुद जो है वो प्रोटोन की सूरत में वॉटर के पास चला गया ठीक है प्रटोन की सूरत में वाटर के पास गया और वाटर ने वहां पे क्या चीज बना ली हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन जाता है ये इस तरह से था ये हमारे पास वाटर था ठीक है हम इसका इसको इस तरह से दिखाते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा ठीक है और दूसरा वाला जो है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं नीचे को कि यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा वाला जो था वो क्या था लोन पेयर था ठीक है अब ये लोन पेयर जो है वो किसको डोनेट हो रहा है ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो, हो रहा है डोनेट नहीं हो रहा शेयर हो रहा है ठीक है ये हम कह रहे हैं शेयर हो रहा है और ये हमारे पास एक बॉन्ड आ गया इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ठीक है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया कोवलेंट के लिए हम लिखते हैं कोवेलेंट ठीक है बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवर बॉन्ड आ गया हमारे पास जिसके तहत क्या चीज हमारे पास बन गई है अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास बन चुका है एच थ्री ओ पॉजिटिव ठीक है इसको इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड प्रोटोन यानी क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह से होता है ये इसका रिएक्शन ये इस कुछ इस तरह से होता है कि वॉटर होता है हमारे पास इसकी अगर ब्रेक डाउन करें तो वॉटर होगा और प्रोटोन होगा ठीक है तो हम कह रहे हैं हमारे पास आ गया हाइड्रेटेड प्रोटोन यानी प्रोटोन जो है वो हाइड्रेट हुआ है वाटर की वजह से और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी यहाँ पे जो मजीद हम हम देखते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पे ए नेगेटिव अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ए के पास चला गया तो ए का जो है वो ए नाइन बन गया यानी नेगेटिवली चार्ज आईन ठीक है हम ये देखते हैं कि हम यहां पे अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड था जो फर्जी केमिकल कंपाउंड था सपोज था ठीक है तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्रोटॉन था वो इसने लूज कर दिया वाटर के लिए ठीक है ना हम ये देख रहे हैं तो ये क्या हुआ अगर हम हम जो थ्यूरी बढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या हुआ ये प्रोटोन डोनर हुआ ठीक है यानी कि अब हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये प्रोटोन डोनर है तो इसकी वजह से ये लॉरी ब्रॉन्सटेड एसिड कहलाएगा ठीक है हम इसके नीचे लिख देते हैं इसको कैप्शन दे देते हैं कि ये क्या है ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड ठीक है ये हमारे पास आ गया लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड ठीक है इसकी हम जो है वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ हम जो है वो अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच था ठीक है ना और इसको हमने वाटर से इंटरेक्ट करवाया या वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया ये हमारे पास अब वाटर है ठीक है ये एक्वस फॉर्म में था हमारे पास यानी सॉल्यूशन फॉर्म में ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था क्या हुआ इसके बीच में रिएक्शन हुआ ठीक है ये रिएक्शन हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन है हम कह रहे हैं कि इसकी आयनाइजेशन होगी या फिर हम कहते हैं कि वाटर में इसकी जो है वो इंटरेक्शन हो रही है हम कह रहे हैं कि जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा ठीक है तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या बन रहा है हमारे पास बन रहा है एच थ्री ओ पॉजिटिव जिस तरह ऊपर बना कि ये प्रोटॉन जो उसने इसको डोनेट कर दिया ठीक है और ये हमारे पास आ गया हाइड्रेटेड प्रोटोन या हाइड्रोनियम आइन दूसरी चीज हमारे पास क्या चीज आ रही है हमारे पास आ रहा है क्लोराइड आइन ठीक है हम देख रहे हैं हमारे पास दो स्पीशीज बन गई हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने कहा कि ये जो एच है ये क्या कर रहा है ये प्रोटॉन ये सॉरी जी ये प्रोटॉन को जो है वो डोनेट कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसिड है कौन सा वाला लॉरी ब्रॉन्सड कंसेप्ट वाला एसिड है ठीक है यानी कि इसको हम क्या कहेंगे ये हमारे पास आ गया लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड ठीक है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे इसको ठीक है तो ये कंसेप्ट हमारे पास जो है वो यूहानस ब्रॉन्सड और थॉमस लॉरी ने 1923 में दिया कि एसिड्स को डिस्क्राइब किया उन्होंने कि एसिड्स जो है वो केमिकल स्पीशीज होती हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं और जो है वो इस तरह से जिसको हमने देखा कि प्रोटॉन डोनेट करके वो क्या बना लिया उन्होंने वाटर में इंटरेक्ट होकर प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं ठीक है थीके?